हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस YouTube चैनल सॉरी एप्लीकेशन पे बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो हम आज की क्लास आगे कंटिन्यू करें। और अपना चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री की क्लास है, पीटी पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल आवर सारणी हम पढ़ रहे थे। आवर सारणी में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, पिछली क्लासेस का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, आपको अगर आपको मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर रेटिंग करना ना भूले, है ना। रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपके छोटे भाई बहन भी हमसे पढ़े हैं तो भाई जाकर ना एक बार आप अपनी प्ले स्टोर पर जाकर जहां से आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा वहां पर रेटिंग करना ना भूले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कौन कौन से ग्रुप से मिलकर बना हुआ है? एस ब्लॉक ग्रुप नंबर वन और ग्रुप नंबर टू। अब हमने कितना पढ़ लिया था? ग्रुप नंबर वन को तो कंप्लीट कर लिया था, हालिना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हम पढ़ चुके थे। दूसरे ग्रुप के बारे में बता दिया था कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये पढ़ लिए थे। अब बात करेंगे बच्चा कि इन एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यही पर क्लास छोड़ी थी हमने लास्ट क्लास। तो अब जरा लिखिएगा कि ग्रुप नंबर टू के एलिमेंट्स को हमने क्या कहा था। हमने कहा था बच्चा ग्रुप नंबर टू के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं बच्चा? एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, क्योंकि ये मेटल्स कहां पे पाई जाती है, ये मृदा में पाई जाती है, ये मिट्टी में पाई जाती है, इसलिए हम इनको एल्कली अर्थ मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कौन कौन सी आती है तो वो पहले पढ़ा चुकी हूं। अब जिसके बारे में पढ़ना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे बेरिलियम से कोई क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में, हम सीधा लिखेंगे मैग्नीशियम। तो लिखिए जरा पहला मेटल जो ग्रुप नंबर टू का है एमजी, एमजी बोले तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो हमें यहां पर पढ़ना है। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो सुनो बच्चा। मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी में भी होता है, बिल्कुल होता है। ह्यूमन बॉडी में हमारे शरीर में मैग्नीशियम कहां होता है तो ये मसल्स फॉर्मेशन का काम करता है। किसका काम करता है? मसल्स फॉर्मेशन का काम करता है, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, जो पेशियां होती हैं, उनके निर्माण में सहायक होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नीशियम ह्यूमन बॉडी में कहां होता है तो आप क्या बताएंगे? ह्यूमन मसल्स में होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। और प्लांट्स में क्या काम करता है आप जानते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा कि प्लांट्स अभी जैसे मई जून के महीने में बहुत सारी गर्मी पड़ने वाली है, बहुत सारी धूप पड़ने वाली है, बहुत सारी सनलाइट आने वाली है, सनलाइट सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो उसमें हीट आ रही है और ज्यादा अगर हीट पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो प्लांट जल जाएगा। अगर मैं आपको धूप में खड़ा कर दूं 50-55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में तो आपके हाथ पांव जलने लग जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर सनलाइट से, सूर्य से, सूरज देवता से बहुत ज्यादा क्या आ जाती है, हीट आ जाती है, उष्मा आ जाती है, तो उसे पेड़ पौधे भी जलने लग जाते हैं। तो जलने से बचाने के लिए पेड़ पौधों के अंदर होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है प्लांट्स में? कूलिंग इफेक्ट का काम करता है। बच्चा क्या करता है? ये कूलिंग इफेक्ट देता है। कूलिंग इफेक्ट का मतलब है ये ठंडक देने का काम करता है पेड़ पौधों के अंदर। जो एक्सेस हीट होती है ना उस एक्सेस हीट का अब्सॉर्प्शन करता है, ये अतिरिक्त उष्मा का अवशोषण करता है, एक्सेस हीट अब्सॉर्प्शन का काम करता है। जो ज्यादा मात्रा में जो सनलाइट पड़ती है, जो हीट पड़ती है, उसका क्या कर लेता है, ये उष्मा का अवशोषण कर लेता है। एक लाइन में बताऊं तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पेड़ पौधों को जलने से बचाने का काम कौन सी धातु करती है, आप कहेंगे मैग्नीशियम। या आ जाए कि किस मेटल की कमी से या किस मिनरल की कमी से पेड़ पौधे जल जाते हैं, तो अगर किसी पेड़ पौधे में मैग्नीशियम नहीं हुआ तो आप जानते हैं कि उसके ऊपर हीट ज्यादा पड़ेगी, डायरेक्ट सनलाइट आएगी और उसमें ठंडक नहीं रहेगी, वो पेड़ पौधे जल जाएंगे। मई जून के महीने में अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे जल जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ह्यूमन बॉडी में मैग्नीशियम कहां होता है, तो ये हमारी मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा आपसे पूछे कि मैग्नीशियम प्लांट में कहां होता है, तो प्लांट में ये कूलिंग इफेक्ट का काम देता है, प्लांट में ये कूलिंग इफेक्ट का काम देता है। और कहां होता है वो भी सुन लीजिएगा, प्लांट में ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये बात की बात है हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। अब मैग्नीशियम का एक कंपाउंड है बच्चा जो वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन बनाता है। मैग्नीशियम का एक कंपाउंड है कौन सा, MgOH2, इसका केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेम नाम हिंदी में है। लेकिन कॉमर्शियली इसको किस नाम से जानते हैं, कॉमर्शियली हम जानते हैं इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, सेम नाम हिंदी में है, हिंदी में कहते हैं बस मैग्नीशिया का दूध। तो अगर आपसे पूछ ले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। या पूछेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, जब कभी भी आपके पेट में एसिडिटी होती है, आप ज्यादा खा लेते हैं, पेट में जलन होने लग जाती है, क्यों होने लग जाती है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा मसालेदार सब्जियां खा लेते हैं या बाहर का खाना ज्यादा खा लेते हैं या आपकी ओवर ईटिंग हो जाती है, आपकी डाइट ज्यादा हो जाती है, तो बच्चा हमारे पेट के अंदर एक ज्यादा मात्रा में एसिड बनना शुरू हो जाता है, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज्यादा बनता है तो आपके पेट में गैस होती है, आपको जलन होती है, आपको जलन सा महसूस होती है। अब क्या करते हो, आपको जब एसिडिटी होती है और उसी जलन को हम एसिडिटी कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं उसे, एसिडिटी कहते हैं या हिंदी में हम अम्लता कहते हैं। अब जैसे ही आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हो, आप जाकर इनो लेते हो, है ना, इनो पीते हो, या एक टैबलेट आती है डाइजीन मेडिकल स्टोर से, आप ये ले आते हो। तो बच्चा इनो और डाइजीन के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैग्नीशियम जैसे आपने इनो पिया या डाइजीन दवाई खाई, ये दवाई का नाम है, आपने ये खाई, तो ये क्या करेगा, आपके पेट में क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, बाहर से इनो में क्या जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जाएगा। तो यहां से बनता है बच्चा MgCl2+H2O। तो देखिए ये जो एसिड था, इस एसिड का प्रभाव कम हो जाएगा, ये एसिड जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड नामक सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है, इसमें यहां से MgCl2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि जब कभी भी हमारे पेट एसिडिटी होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होती है, पेट में जलन, पेट में गैस, वो इस एसिड के कारण होती है। तो आपको जब एसिडिटी होती है तो हम क्या लेते हैं, हम इनो पीते हैं या डाइजीन टैबलेट खाते हैं। इनो और डाइजीन में क्या आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, आप ऐसे कह दो। इसको मैग्नीशिया का दूध कहा जाता है। जैसे ही आप इस पाउडर को पानी में डालते हो दूधिया रंग हो जाता है, आपने इनो को पानी के अंदर डाला होगा कभी तो देखा होगा कैसा हो जाता है, वो दूधिया रंग हो जाता है। ठीक वैसे ही बच्चा यहां पर भी क्या होता है, जैसे इनो आपके पेट में गया तो इनो के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो इस एसिड के साथ, इस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और यहां से मैग्नीशियम क्लोराइड और पानी आपका बन जाता है। तो एसिडिटी आपकी ठीक होने लग जाती है, क्यों, क्योंकि एसिड का सेक्रेशन आपका कम हो गया है। अगर एसिड बन भी रहा है तो वो इस मैग्नीशियम क्लोराइड इस सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है।
इस नमक में बदल रहा है, इसलिए आपके पेट की जलन और आपके पेट का गैस ठीक हो जाता है इनो और डाइजिन से। ठीक है बच्चा, तो हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं एंटा एसिड। क्या कहते हैं? एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होते हैं? हिंदी में कहा जाता है प्रति अम्ल। एंटा एसिड वो केमिकल होते हैं जो एसिडिटी को खत्म करते हैं, जो किसको खत्म करते हैं, एसिडिटी को खत्म करते हैं। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नीशियम का कौन सा कंपाउंड एंटा एसिड होता है, मैग्नीशियम का कौन सा यौगिक प्रति अम्ल की तरह काम करता है। तो आप क्या बताएंगे बच्चा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। या पूछेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। या आपसे पूछेगा पेट के अंदर जब एसिडिटी वगैरह होती है तो इनोडाइजिंग में कौन सा केमिकल आता है? तो आप क्या बताएंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। और ये मैग्नीशियम और आपका ऑक्सीजन से बनता है और ये मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में आता है, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ भाई बंधु को तो समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से कहां लेके जा रही हूं, मैं कहां से कहां नहीं, मैं वो फेमस क्वेश्चन बता रही हूं जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से बनता है। ठीक है, अब चलते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम से क्या क्वेश्चन बनता है? कैल्शियम आप जानते हैं बच्चा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर सब कुछ लिखवा चुकी हूं। कैल्शियम ह्यूमन बॉडी में भी होता है, मनुष्य के शरीर में कैल्शियम होता है। इनफैक्ट हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला खनिज तत्व है। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर इनमें से सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सा है, तो ऐसा करके अगर क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल कौन सा है या खनिज तत्व, तत्व खनिज तत्व पूछिए ना बच्चा। अगर आपसे अच्छा मिनरल होगा या खनिज तत्व होगा, ठीक है, तत्व नहीं, खनिज तत्व लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो खनिज तत्व, खनिज तत्व और हिंदी में इंग्लिश में आप इसको ठीक करो, मोस्ट अबंडेंट मिनरल करो। वो सारे मिनरल जो आप खाते हो, जैसे आप क्या खाते हो, आप पोटेशियम लेते हो, सल्फर लेते हो, फास्फोरस लेते हो, इसके साथ आप लेते हो कैल्शियम खाते हो, आयरन खाते हो, जैसे आपने सुना होगा पालक में आयरन होता है, प्याज में और दूध में पोटेशियम कैल्शियम होता है, है ना? तो ये सब हम खाते हैं, इनमें से सबसे ज्यादा मिनरल हमारे बॉडी में कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा होता है बच्चा कैल्शियम। कैल्शियम, अब कैल्शियम कहां कहां होता है, तो एक तो हमारे हेयर्स में होता है, बालों में कैल्शियम होता है, हमारे नेल्स में कैल्शियम होता है, नाखूनों में कैल्शियम होता है, हमारी बोन्स में, हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है, खून में भी कैल्शियम होता है। कहां कहां होता है कैल्शियम, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारी बॉडी में कैल्शियम जो है वो मिनरल की फॉर्म में होता है, वो एक खनिज तत्व की फॉर्म में पाया जाता है। और ये कहां कहां होता है, तो हमारी हड्डियों में, नाखूनों में और दांत भी, लिखो दांत लिखा ना, दांतों में भी कैल्शियम होता है, बालों में, नाखूनों में, हड्डियों में, खून में और दांतों में भी कैल्शियम होता है। जब बात करते हैं जो खून वाला कैल्शियम होता है, इसका काम क्या होता है, ये ब्लड क्लोटिंग का भी काम करता है। कैल्शियम हमारे बॉडी में ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्पफुल होता है। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का क्या होता है, जब कभी भी आपको चोट लगती है बच्चा, तो चोट लगने के बाद आपका बहुत सारा खून निकलता है, है ना, बहुत सारा खून निकलता है, उसके बाद कुछ देर के बाद वो खून है वो निकलना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इस जिस हिस्से पे चोट लगी थी वहां पे क्या हो जाता है, ब्लड का क्लोट जमना शुरू हो जाता है। तो उस क्लोटिंग के लिए एक विटामिन के चाहिए होता है, एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक वैसे ही कैल्शियम भी चाहिए होता है, कैल्शियम भी चाहिए होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन सा मिनरल है, कौन सा खनिज तत्व है, तो आप क्या बताएंगे बच्चा, वो कैल्शियम होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। हो गया, समझ में आ रही मेरी बात? तो कैल्शियम यहां यहां होता है, कैल्शियम से ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपको नोट करने हैं। अगला मेटल कौन सा है, देखो ग्रुप नंबर 2 में हमने मैग्नीशियम के बारे में, कैल्शियम के बारे में, स्ट्रोंसियम के बारे में भी एक पॉइंट नोट करो। देखो बच्चा, जो स्ट्रोंसियम होता है जिसका सिंबल क्या होता है, SR, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोंसियम बोलते हैं बच्चा, स्ट्रोंसियम बोलते हैं। स्ट्रोंसियम कहां होता है, स्ट्रोंसियम को हम कमर्शियल लेवल पे काम में लेते हैं, क्रैकर्स में। क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे, दिवाली के ऊपर दिवाली वगैरह होती है या न्यू ईयर होता है तो हम क्या फोड़ते हैं, हम पटाखे फोड़ते हैं। या शादियों में आप देखते होंगे जब कोई पटाखा चलाता है तो उस पटाखे में ऊपर जाकर लाल, पीली, नीली इस कलर की अलग अलग लाइट निकलती रहती है ना, हरा रंग निकलता है, लाल रंग निकलता है, पीला रंग निकलता है। तो जो पटाखों के अंदर लाल कलर बनता है, रेड कलर बनता है, वो किस धातु के जलने से, वो स्ट्रोंसियम के जलने से बनता है। तो ये वनडे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि वो कौन सी धातु है जिसका उपयोग हम पटाखों के अंदर, फुलझड़ियों के अंदर लाल रंग बनाने के लिए करते हैं, तो आप कहेंगे स्ट्रोंसियम है। कौन सा, स्ट्रोंसियम है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरा, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा, अगला इस बेरियम के बारे में आपको कुछ पॉइंट नोट डाउन करने की जरूरत है, रेडियम के बारे में। नेक्स्ट लिखो रेडियम, RA का सिंबल है किसका, रेडियम का। रेडियम क्या होता है बच्चा, रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया ग्रुप नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट है जो एक रेडियोधर्मी तत्व है, जो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो आप बताओ कौन सा एलिमेंट होगा, वो होगा बच्चा यहां पर रेडियम। रेडियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है और जिसकी खोज किसके द्वारा की गई है, जिसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने और उनके साथ उनके हस्बैंड ने, मैडम क्यूरी और उनके साथ उनके हस्बैंड थे सर पायरे, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर खोज की थी रेडियम की, रेडियम की खोज की थी। और रेडियम की खोज करते करते ही बेचारी मैडम क्यूरी जो है उनकी डेथ भी हो गई थी, उनकी डेथ भी हो गई थी। ये ग्रुप नंबर 2 में ये जो रेडियम है ना, ये इकलौता रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ये रेडियम आजकल जूतों पे लगा हुआ होता है, ये रेडियम क्या करता है, रात के समय अंधेरे में थोड़ी सी इसमें से चमक पैदा होती है। तो लोग जो लोग वॉक करते हैं, साइकिल वगैरह साइकिलिंग करते हैं रोड के ऊपर, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने ऐसे जूते या फिर ऐसा ट्रैक सूट खरीदते हैं या फिर ऐसा लोअर खरीदते हैं जिस लोअर के अंदर रेडियम लगा हुआ हो, क्योंकि वो रेडियम अंधेरे के अंदर हल्का सा शाइनिंग करता है तो पता लग जाता है अगर पीछे से कोई गाड़ी चला रहा है तो भाई यहाँ पर कोई इंसान जा रहा है, गाड़ी की लाइट पड़ेगी तो उसको थोड़ी सी लाइट चमकती हुई दिख जाएगी, तो पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से कोई इंसान जा रहा है तो अपनी गाड़ी ढंग से चलाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछ ले, रेडियम की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ये कौन कह रहा है ना, कहां से पढ़ के आए आप, नहीं यादवंशी छोटू यादव, आप कह रहे रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, मैं पीरियोडिक टेबल में कम से कम 5 बार बता चुकी हूं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, बहुत बार पढ़ाया मैंने कहा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है, जो हानिकारक रेडिएशंस बनाती है, जैसे अल्फा बीटा गामा रेज आपके जिस भी एलिमेंट से निकलती है उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। फिर आगे पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, पढ़ाऊंगी आपको अलग से, अभी रुक जाइए, अब जितना पढ़ा रही हूं सिर्फ आप उतना ध्यान से सुनिए। तो बच्चा इस ग्रुप के अंदर हमें मैग्नीशियम पढ़ना था, कैल्शियम पढ़ना था, स्ट्रोंसियम पढ़ना था और रेडियम पढ़ना था, इसमें हमने सोडियम के बारे में, लिथियम के बारे में, पोटेशियम के बारे में, सीजियम के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया था। तो ये आपका एस ब्लॉक यहां पे कंप्लीट होता है। एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप आते हैं, कौन कौन सा, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अब चलते हैं सीधा हम इस डी ब्लॉक को छोड़ दो, पहले हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक, इसको पढ़ेंगे हम।
अभी हम किसको पढ़ेंगे? पी ब्लॉक को, बाद में डी को और एफ को पढ़ेंगे। डी और एफ जो होता है ना बच्चा, इनसे ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन एस और पी ब्लॉक से ही आते हैं। किससे आते हैं? एस और पी ब्लॉक से ही आते हैं। डी ब्लॉक से तो कुछ कुछ याद रखना है, आयरन का, कोबाल्ट का, निकल का, प्लेटिनम का, उसके साथ गोल्ड का, मर्करी का, ऑस्मियम का, टंगस्टन का, इनके कुछ पॉइंट याद करने हैं। इधर हो गया आपका जैसे सीरियम हो गया, इधर यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बस ये याद करना है। डी और एफ ब्लॉक आपको ज्यादा याद नहीं करना है, पी और एस मेन है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पी ब्लॉक से। चलो जब स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के बारे में, तो आप क्या लिखोगे बच्चा? पी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं बताना, मैंने पढ़ाया आपको। पी ब्लॉक कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म होता है? तो पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से शुरू होता है। कौन सा ग्रुप नंबर 13 से शुरू होकर ग्रुप नंबर 18 पे खत्म होता है। तो ये सारे ग्रुप किस ब्लॉक के हिस्सा है? ये पी ब्लॉक के हिस्सा है, ये पी ब्लॉक के हिस्सा है। और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 3 6, तो 6 6 6 6 6 6 और ये एक साथ वहां ही, इसमें 7 लास्ट वाले में। तो बच्चा टोटल कितने हो गए? मुझे लगता है 37 एलिमेंट्स हो गए होंगे। 40 एलिमेंट तो मैंने नहीं पढ़ाए हैं, 40 तो इसमें होते हैं कृष्णकांत, 40 डी ब्लॉक में होते हैं ना कि पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट्स होते हैं। आप लोगों को पढ़ाया हुआ भी आपको याद नहीं रहता है, कैसे काम चलेगा? चलो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक में। तो सबसे पहला हम लिखेंगे ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13। अब ग्रुप नंबर 13 का ट्रिक क्या है याद करने का? देखिए इसका ट्रिक होता है बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये ट्रिक है बच्चा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये ग्रुप नंबर 13 को याद करने की ट्रिक है। क्या? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थोड़ा नीचे लिखो थैले को, इन थेला, थेला तो समझते हो ना, थेले के अंदर हम सब्जियां लाते हैं। और साथ में एक खाली बॉक्स बना दो नीचे, साथ में क्या बना दो? एक खाली बॉक्स बना दो नीचे। क्यों बनाया है ये खाली बॉक्स? इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। ये खाली बॉक्स का मीनिंग क्या है इस पर हम अभी बात करेंगे। अब जरा इस ट्रिक से एलिमेंट बनाओ। देखो बैंगन से क्या बनेगा, यहां पे लिखो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं। तो बच्चा बैंगन से बनेगा आपका बी, बी का मतलब है यहां पर बोरोन, बी का मतलब क्या हो गया? बोरोन। आलू से बनता है एल, एल का मतलब होता है आलू से बनता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का सिंबल होता है एल, ठीक है। गाजर से बनता है गैलियम, क्या बनता है बच्चा? गैलियम, और सिंबल क्या होता है? जी ए, और सिंबल क्या होता है? गैलियम, और सिंबल होता है जी ए। एक सेकेंड कहां चला गया, हाँ जी ए, सिंबल क्या होता है? जी ए। उसके बाद आता है इन, इन से बनता है इंडियम, इंडिया है ना जैसे, वैसे इंडियम याद कर लो, इंडियम ऐसे। और टी एच से थैला से क्या बनता है आप बताएंगे बच्चा? देखो बैंगन से बी का ना, बी का बोरोन है, ठीक है, और थैला से बनता है थैलियम, 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 इस तरीके से बी से बोरोन। कंफ्यूज नहीं होना, देखो बी ई मैंने बताया था बेरिलियम, याद है ना आपको? ये देखो ये पढ़ा था ना हमने, याद होगा आपको, ये देखो कि बी ई से बेरिलियम बनता है, बी ए से बेरियम बनता है, और मैंने कहा था ग्रुप नंबर 13 में आएगा बी, बी से बोरोन बनता है। तो ये बी ई बेरिलियम था, बी ए बेरियम था, बी बोरोन है। तो बैंगन से बोरोन बना, आलू से एल्यूमिनियम बना, गाजर से गैलियम बना, इन से इंडियम बना, और टी एल थैला से बना थैलियम। ये आपकी ट्रिक हो गई। और ये जो मैंने एक खाली बॉक्स छोड़ा है, खाली बॉक्स के अंदर बच्चा एक नया एलिमेंट ऐड किया गया था इस ब्लॉक के अंदर और इस ग्रुप के अंदर, पहले ये नहीं था। ये जो सारे के सारे एलिमेंट है ना, ये नीचे वाले कितने? टोटल 6। ये बच्चा सारे न्यू एलिमेंट्स हैं, ये नए तत्व हैं जो बाद में जोड़े गए हैं पीरियोडिक टेबल में, जो बाद में जोड़े गए हैं। पहले ये जगह खाली पड़ी थी बच्चा, यहां पर एलिमेंट्स नहीं थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हर समय नए नए एलिमेंट्स की खोज होती जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर समय नए नए एलिमेंट्स की खोज होती जाती है। तो बच्चा ये जो है निहोनियम NH, ये जोड़ा गया था इस 13 नंबर ग्रुप में नया एलिमेंट। तो मैंने ये जो बॉक्स बनाया है इसका मतलब है NH, इसके अंदर NH आएगा, और NH का मतलब होता है बच्चा निहोनियम, निहोनियम, ठीक है। आप शायद ऐसे इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, NH का मतलब नेशनल हाईवे है ना, तो आप ऐसे याद कर लो कि बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, मतलब एक इंसान बैंगन, आलू, गाजर, इन थैले में डाल के नेशनल हाईवे पे चला गया, तो NH निहोनियम भी आपको याद रह जाएगा। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, और कहां चला गया? नेशनल हाईवे पे। तो नेशनल हाईवे का मतलब क्या हो गया? NH, NH का मतलब क्या हो गया? निहोनियम। ये सारे एलिमेंट्स है बच्चा किसके अंदर? ग्रुप नंबर 13 के अंदर। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ग्रुप नंबर 13 के अंदर सबसे लास्ट में या सबसे न्यू एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया, तो आप क्या बताएंगे बच्चा? NH ऐड किया गया है, निहोनियम ऐड किया गया है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब इनका एटॉमिक नंबर याद करें। चलो इनका एटॉमिक नंबर आप लोग बताओगे भैया कैसे निकालते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक इनका जेड आप बताओ, हमने किस ट्रिक से याद करवाया था आपको इनका परमाणु क्रमांक, कैसे याद करेंगे? तो बताओ बच्चों कैसे याद करेंगे। देखो बोरोन 5 नंबर पे आता है, 4 पे तो हमने बेरिलियम पढ़ाई था, बोरोन 5 पे आता है। अब ये बताओ कि ग्रुप नंबर कौन सा है दूसरा, दूसरे से कहां जाओगे? तीसरे में जाओगे? जाओगे ही नहीं जाओगे। दूसरे से तीसरे में जाओगे तो दूसरे में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 होते हैं। तो कितने जोड़ोगे आप बताओ बच्चा? 5 में 8 जोड़ते ही कितना हो जाएगा? आप बताओ कि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, आप 5 में कितना जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे, 5 और 8 13 होते हैं, तो 13 पे क्या आ गया आपका? एल्यूमिनियम। आप 13 में कितना जुड़ेगा? 18 जुड़ेगा, प्लस 18 दिख रहा है आपको, ये देखो क्या कि ये एल्यूमिनियम 13 पे आ गया। अब एल्यूमिनियम से कितने एलिमेंट? तो ये सारे एलिमेंट जुड़ेंगे आगे के 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। गैलियम का 18 आएगी नहीं आए, तो अब बच्चा 13 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा गैलियम का? 31। यहां लिखो गैलियम का कितना हो गया? 31। अब अगेन 31 में 18 जोड़ो, अगेन 31 में 18 जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 31 में आप 31 ही आएगा ना कि 32 आएगा? 31 ही तो है गैलियम, हाँ जी बिल्कुल 31 ही आएगा। उसके बाद आप 31 में आप 18 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए बच्चा? अब आना चाहिए 49। कितना आना चाहिए इंडियम? 49 पे आना चाहिए, 49 पे। अब 49 में कितना जुड़ेगा? तो 49 में आप जुड़ेगा 32। 49 में 39, 9 10 11 और 4 और 3 7, 7 और 1 वो हो गया 8, तो 8 और 1 है ना, 8 और 1, तो थैलियम हो गया 81 पे। अब 81 में अगेन कितने जुड़ेंगे? 32, तो 1 और 2 3, तो 1 और 11 113, निहोनियम 113 पे, ठीक है, सही लिखा ना? देखना एक बार, मेरा मैथ्स थोड़ा कमजोर है भैया, हाँ जी मेरा थोड़ा मैथ्स कमजोर है, आप ही देख लो सही लिखा है कि नहीं लिखा मैंने।
एक बार फिर से चेक कर लूं, 5 में 8 जोड़ोगे 13, 13 में कुछ बच्चों को हो सकता है ये समझ में ना आए कि मैम ने इस बार 8 के बाद 18 क्यों जोड़ा। भैया देखो ना, इसलिए जोड़ा ना, देखो एल्युमिनियम से काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पे के लिए हमारा, इसलिए 18 जोड़ा होगा। ठीक है, तो बच्चा ये हो गया यहां पर 5 में 8 जोड़ोगे 13, 13 में 18 जोड़ोगे 31, 31 में 18 जोड़ोगे 49, 49 81 और 113। तो इस तरीके से आपके टोटल एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर यहां पर हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, हां जी याद हो गया। ठीक, 5 13 31 49 81 और 113। मैम आपकी मैथ्स बहुत फास्ट है। अरे नहीं है भैया, मुझे मैथ्स नहीं आती, मेरी गणित सबसे कमजोर है ना। मैं 10वीं क्लास में धक्के खा के गणित में पास हुई थी, बस जैसे ही हुई वैसे ही हो गई, बस ये मान लो आप। चलो ये हो गया एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका। ट्रिक है ग्रुप नंबर 13 को याद करने की, बैंगन आलू गाजर इंथेला ये सारे एलिमेंट्स है। निहोनियम एक नया तत्व है जो सबसे लास्ट में ऐड किया गया है, जो कितने नंबर पर 113। अच्छा इसको कैसे याद करोगे एटॉमिक नंबर निहोनियम का, कौन सा ग्रुप है 13, 13 में सीधा 100 जोड़ दो तो नया एलिमेंट निकल जाएगा। ऐसे 14 वाले ग्रुप पे जाओगे तो 100 में 14 जोड़ दो, 114 पे नया एलिमेंट आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो करें अब इन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इन एलिमेंट्स के बारे में बात करने से पहले सुनो, ये जो जिगजैग लाइन है मैंने आपको पढ़ाई थी, इस तरीके से जो पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन बनती है ये क्या होती है, तो बताएंगे बच्चा कि ये कहलाती है आपका मेटलोइड। क्या कहलाती है बच्चा, मेटलोइड की लाइन है, ये उपधातु कहलाते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल में ग्रीन कलर से हरे रंग से बने हुए हैं ये क्या है, मेटलोइड है, ये उपधातु है। और कितने होते हैं आपको सोचो, ग्रीन कलर कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 7 जगह हर रंग है ना, किसी भाई बंधु को तो भी दिख रहा है ना, तो बच्चा 7 होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में उपधातु। अब ये मेटलोइड क्या होती है जरा ध्यान से सुन लो, अभी फिलहाल एक लाइन में, ऐसा कोई एलिमेंट जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो, जो मेटल्स की तरह भी काम करे और जो नॉन मेटल्स की तरह भी काम करे, जो धातुओं की तरह भी बिहेव करे और जो अधातु की तरह भी काम करे, जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण हो, जिसके अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज हो, उसे हम कहते हैं मेटलोइड, उसे हम कहते हैं उपधातु। ये कहां काम आते हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाने में, अर्धचालक बनाने में, जैसे सोलर सेल बनाने के अंदर, जैसे माइक्रोचिप्स बनाने के अंदर, है ना। तो बच्चा आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं यहां पर बता रही हूं कि पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट वाला मेटलोइड कौन सा है, तो सबसे ऊपर कौन सा है, बोरोन। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या किसी पूछेगा ग्रुप नंबर 13 में कौन सा मेटलोइड है, तो आपके बताएंगे बच्चा बोरोन एक मेटलोइड होता है। तो सबसे पहले आप इस बोरोन के बारे में ही लिख दो कि ग्रुप नंबर 13 के अंदर ये जो बोरोन है ये क्या है, बोरोन एक मेटलोइड होता है और ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट मेटलोइड है। ये एक मेटलोइड है, ये क्या है, एक उपधातु है, मतलब ये सेमी मेटल्स बनाने में या सेमी कंडक्टर्स बनाने में काम आता है। ये एक मेटलोइड है, उपधातु है, और याद रखिएगा ग्रुप नंबर 13 में इकलौता एक ही होता है, ये क्या है, एक ही है। ठीक है, और मेटलोइड एक ही है, इसके अलावा सारी मेटल्स हैं, सारी मेटल्स ही होंगी, हाँ सब मेटल्स हैं। बस ये निहोनियम जो है इसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट में भी काउंट करते हैं, राइट। और ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट मेटलोइड है, मतलब यहां से शुरू होता है, सबसे ऊपर है बच्चा, ये पहला उपधातु है, पहला उपधातु है, फर्स्ट मेटलोइड है। तो ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 13 में बोरोन के बारे में। अब एल्युमिनियम भी धातु होती है, गैलियम भी धातु होती है, इंडियम भी धातु होती है, थैलियम भी धातु होती है, और बच्चा निहोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जरा बात करते हैं एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम तो आप सब लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम एक धातु होती है, एक मेटल होती है, और एल्युमिनियम मेटल का काम कहां पे काम में ली जाती है, एल्युमिनियम मेटल काम में ली जाती है बच्चा, एक तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, हमारे घरों में जो बिजली के तार होते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत तार है, जो बिजली के तार है, वायर है, एसी वाला, जैसे स्पेशली मैं बात करूं एसी वाला जो वायर है, तो जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो या तो कॉपर के बने होते हैं या एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम वाला थोड़ा महंगा आता है, जैसे एसी वाला एल्युमिनियम का होता है वो थोड़ा महंगा आता है। क्लियर पॉइंट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। हाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखवाऊंगी, चलो आओ नेक्स्ट। तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में दूसरा एल्युमिनियम कहां काम आता है, एल्युमिनियम काम आता है बच्चा, आपने देखा होगा हमारे घर में यूटेंसिल्स बनते हैं, किचन के यूटेंसिल्स, रसोई के अंदर बहुत सारे बर्तन होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा तो कढ़ाई बनती है एल्युमिनियम की, कढ़ाई एल्युमिनियम का, फ्राई पैन एल्युमिनियम के, बहुत सारे बर्तन हमारे घरों में काम में लिए जाते हैं, किचन यूटेंसिल्स बनाने में काम आते हैं। इसके साथ आप बताओगे एल्युमिनियम के इलेक्ट्रिक वायर बनता है, एंड बच्चा एल्युमिनियम सबसे ज्यादा काम आता है एरोप्लेन बनाने में, एरोप्लेन जो एरोप्लेन का बॉडी होता है ना, हवाई जहाज का जो शरीर होता है वो किसका बना हुआ होता है, आप बताएंगे बच्चा जो एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज की जो शरीर होता है, जो बॉडी होता है वो बनाने में, हवाई जहाज के शरीर या हवाई जहाज का बॉडी बनाने में। एक होता है एल्युमिनियम नहीं, एल्युमिनियम के साथ और अलॉय काम में आते हैं, लेकिन आप फिलहाल लिखो कि एल्युमिनियम भी काम में आता है, एल्युमिनियम भी काम में आता है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में आप लिख सकते हो गैलियम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में गैलियम के बारे में और क्या पॉइंट नोट करवाऊं आपको जो एग्जाम में आ सकता है। गैलियम के बारे में बहुत तेज आंधी चल रही है, मुझे लगता है लाइट कट हो सकती है, बाहर बहुत भयंकर वाली आंधी चल रही है आज, ओफो लाइट या इंटरनेट चला जाए तो समझ जाना कि बहुत तेज आंधी चल रही है, आपको आवाजें भी आ रही होंगी, आजकल बड़ी दिल्ली में बहुत आंधियां चलने शुरू हो गई है। हाँ जी एरोप्लेन, आप इंग्लिश में लिख लो भाई, एरोप्लेन की बॉडी बनाने में लिख लो, एरोप्लेन की बॉडी बनाने में। ठीक है, गैलियम के बारे में आपको एक पॉइंट नोट करवाती हूँ। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि सोडियम और पोटेशियम जो होती है वो बहुत सॉफ्ट धातु होती है, उनको हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, अब मैं जब बात करती हूँ किसकी, हमारी जो शरीर है, हमारा हथेली गर्म रहता है, आपने देखा होगा हमारी बॉडी से भी हीट निकलता है। तो बच्चा जो सीजियम और गैलियम होता है ना, सीजियम, एक तो सीजियम हम पढ़ते ग्रुप नंबर 1 में आता है और दूसरा कौन सा है, ये गैलियम, ये दो धातु ऐसी होती हैं जिनको हम हमारी हथेली में रखते हैं, इसके ऊपर हथेली में रखते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट का मतलब होता है ये पिघल जाती है, ये पिघल जाती है, क्यों, क्योंकि बच्चा हमारी हथेली से भी हीट निकलती है और इन दोनों धातुओं को बिल्कुल बहुत ही ना के बराबर हीट चाहिए होती है, ना के बराबर उष्मा चाहिए होती है, और इतनी हीट से ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब देखो रूम टेम्परेचर पे, तो आप एक चीज सुनना, ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट,
रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, सामान्य कमरे का तापमान है, इस रूम टेम्परेचर पे तो जो आपका मरकरी होता है, एचजी जो होता है मरकरी, वो बच्चा लिक्विड स्टेट में होता है, वो तरल अवस्था में होता है। अरे यार कितना तेज आंधी आ रहा है, वो तरल अवस्था में होता है। लेकिन जब आपने सीजियम और गैलियम को अपने हथेली पे रख दिया, आपकी हथेली से भी हीट निकलती है, हमारे शरीर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमारे बॉडी से हीट निकलता है, तो उस इतनी सी हीट को लेकर ये सीजियम और गैलियम जो दोनों है ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और पिघल के ये कौन सी स्टेट में आ जाते हैं, ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, अपनी तरल अवस्था में आ जाते हैं, अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, तरल अवस्था में आ जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा कि कौन सी दो धातु है जिनको हथेली पर रखने पर वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, वो तरल अवस्था में आ जाती है, तो बताएंगे गैलियम और सीजियम। अभी बच्चा कहता है हम कहां रखेंगे, अरे भैया इनको कहां रखेंगे, हाथ पे थोड़ी रखेंगे, इनको हाथ पे थोड़ी रखेंगे, इनको लैब में रखेंगे,